अयोध्या जनपद में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर नगर निगम हुआ अलर्ट। नगर निगम के महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी का बयान, वार्डो में फॉगिंग मशीन की संख्या बढ़ाई गई, एंटी लार्वा छिड़काव की गई व्यवस्था, वार्ड में 6 फॉगिंग मशीन की जगह अब लगाई गई 8 फॉगिंग मशीन, एक मशीन काम करती है 15 मिनट, फॉगिंग का समय बढ़कर हुआ 1.5 घंटा, पूरा वार्ड होगा कवर, रोस्टर के मुताबिक वार्डो में की जाएगी फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव, नालियों में प्रतिदिन हो रहा एंटी लार्वा का छिड़काव, आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष से इस वर्ष डेंगू को किया गया है नियंत्रण में, अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, नगर निगम प्रशासन मुस्तैद, समय समय पर की जा रही समीक्षा, कहीं कोई नहीं होगी अनियमितता। एक रोस्टर के अनुरूप हम लोग फॉगिंग की भी और एंटी लार्वा छिड़काव की व्यवस्था बनाए हैं। 2-3 दिन पहले हमने उसकी समीक्षा भी नगर निगम में की थी। जो हम लोग एक वार्ड में 6 फॉगिंग मशीनें अभी तक कार्यरत रहती थी, उसकी संख्या बढ़ाकर हम लोगों ने 8 कर दी है। 8 करने पर एक मशीन प्रायः एक बार फंक्शनल होने पर 10 से 15 मिनट ही काम करती है, तो 8 मशीन जाएंगी तो करीब 1.5 घंटे का समय वो एक वार्ड में फॉगिंग करेंगी, तो उसके पूरा वार्ड कवर हो जाता था। बीच में शिकायत आती थी कि वार्ड का कुछ हिस्सा छूट जाता है, रोस्टर में तो लिख उठता है कि हाँ वार्ड हो गया, इस वार्ड ये वार्ड हो गया, लेकिन उसमें बहुत से हिस्से छूट जाया करते थे। इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने फॉगिंग मशीन की संख्या बढ़ा दी है और एंटी लार्वा का छिड़काव हमारा रोज नालियों के साथ एंटी लार्वा का छिड़काव विभिन्न नालियों में होता है, जिससे डेंगू जनित मच्छर पनपने न पाए। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी हम लोग पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हम लोगों ने डेंगू को कुछ नियंत्रण करके रखा है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। जहां पर हम लोग डेंगू के खिलाफ और हम नगर निगम प्रशासन एकदम मुस्तैद है, उसकी समीक्षा भी की जा रही है, कहीं कोई अनियमितता नहीं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH9।